नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि कल जो है आईपीएल का मुकाबला चालू हो रहा है, तो दोस्तों आपको जो है हमारे चैनल के ऊपर सभी आईपीएल के मैचेस के प्लेइंग 11 की वीडियो और जो उसकी प्रेडिक्शन है सारी वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल के पहले मैच की, जो कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला जाएगा। बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की और प्रेडिक्शन की। तो दोस्तों ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको जो है आईपीएल की न्यूज़ सबसे पहले मिल पाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की। तो दोस्तों हेड टू हेड मुकाबले में जो है ये दोनों टीम बहुत अच्छी है और लगभग ये दोनों टीम जो है एक बराबर स्ट्रॉन्ग है। जहां पे बात करें मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई के कप्तान है रोहित शर्मा और चेन्नई के कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। हम सभी को पता है ये दोनों खिलाड़ियों की काबिलियत और उनकी कप्तानी स्किल की। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 पहले मैच के लिए क्या हो सकती है। देखिए दोस्तों, ये जो पहला मुकाबला होने वाला है उसमें दोस्तों हम सभी को कुछ भी नहीं पता है कि मुंबई और चेन्नई की टीम कौन से 11 खिलाड़ी को उतारने वाली है, क्योंकि ये जो है सबसे मुश्किल फैसला होता है, क्योंकि अभी तक एक भी टीम ने अपने मुकाबले नहीं खेले हैं। तो दोस्तों ऐसे में जो है उनकी परफेक्ट 11 को पिक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा मेरे हिसाब से और 95% चांसेस कौन से 11 खिलाड़ी है जो कि मुंबई की टीम में पहला मैच खेल सकते हैं। तो दोस्तों नंबर एक पे खेलेंगे इवन लुइस, नंबर दो पे ईशान किशन, नंबर तीन पे रोहित शर्मा, नंबर चार पे सूर्य कुमार यादव, नंबर पांच पे कायरन पोलार्ड, नंबर छह पे हार्दिक पांड्या, नंबर सात पे कृणाल पांड्या, नंबर आठ पे पैट कमिंस, नंबर नौ पे राहुल चहर, नंबर दस पे जसप्रीत बुमराह और नंबर 11 पे जो है मुस्तफिजुर रहमान खेलते हुए नजर आएंगे। जहां पर दोस्तों बात करें मुंबई के चार विदेशी खिलाड़ी की, तो एक इवन लुइस, दूसरे रहेंगे कायरन पोलार्ड, तीसरे पैट कमिंस और चौथे रहेंगे मुस्तफिजुर रहमान। दोस्तों जो जेपी डुमनी है, जेपी डुमनी और पैट कमिंस, ये दो में से कोई एक खेल सकता है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि पैट कमिंस खेल सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है पहले मैच के लिए। जहां पर दोस्तों नंबर एक पे खेलेंगे फैब डुप्लेसिस, नंबर दो पे शेन वॉटसन, नंबर तीन पे सुरेश रायना, नंबर चार पे महेंद्र सिंह धोनी, नंबर पाँच पे केदार जाधव, नंबर छः पे अंबती रायडू, नंबर सात पे रविंद्र जडेजा, नंबर आठ पे ड्वेन ब्रावो, नंबर नौ पे करण शर्मा, नंबर दस पे मार्क वुड और नंबर 11 पे जो है शार्दुल ठाकुर खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों बात करें चेन्नई के चार विदेशी खिलाड़ियों की, तो दोस्तों एक रहेंगे फैब डुप्लेसिस, दूसरे शेन वॉटसन, तीसरे रहेंगे डीजे ब्रावो और चौथे रहेंगे मार्क वुड। दोस्तों अभी बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की कंपैरिजन को। जहां पर दोस्तों मुंबई इंडियंस के पास ज़्यादा अच्छे ऑलराउंडर मौजूद है, कायरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, पैट कमिंस, और वहीं दोस्तों बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, तो दोस्तों चेन्नई के पास जो है स्पिनर और महेंद्र सिंह धोनी, ये दो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है चेन्नई के पास। दोस्तों जिस टीम में जो है महेंद्र सिंह धोनी कप्तान हो या फिर उनका नाम हो, दोस्तों उस टीम की जो ताकत है वो अपने आप ही बढ़ जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कौन सी टीम जो है पहला मुकाबला जीत सकती है। देखो दोस्तों ये जो मुकाबला है मुंबई और चेन्नई का, ये दोस्तों होने वाला है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। तो दोस्तों जो भी टीम अपने घर पे मैचेस खेलती है उसको दोस्तों जो है 5% एडवांटेज तो मिलता ही है, क्योंकि उसको जो है क्राउड सपोर्ट मिलता है और उसको जो है होम पिच का एडवांटेज भी मिलता है। और दोस्तों जो मुंबई इंडियंस का रिकॉर्ड है वानखेड़े स्टेडियम में वो तो बहुत ही गजब का है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो है ये जो मुकाबला है मुंबई और चेन्नई का, ये दोस्तों जो है 50% जाता है मुंबई को और 50% जाता है चेन्नई को। लेकिन दोस्तों स्पेशली ये जो मुकाबला है वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो है
55% चांस जो है इस मैच को मुंबई इंडियन जीत सकती है, और जो 45% चांस है वो दोस्तों चेन्नई की टीम जीत सकती है। लेकिन दोस्तों ये जो है सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, और दोस्तों हम सबको जो है कुछ नहीं पता है कि कौन सी टीम जीतने वाली है, क्योंकि दोस्तों क्रिकेट में जो है कुछ भी हो सकता है। दोस्तों ये जो है मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो थोड़ा सा एडवांटेज है वो मुंबई के पास ज़्यादा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।